दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज की बड़ी खबर। बोर्ड परीक्षा में बड़ी लापरवाही, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को बनाया गया कक्ष निरीक्षक। सूबे में चल रही बोर्ड परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था को लेकर शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। परीक्षा केंद्रों में शिक्षकों के अभाव के चलते चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कक्ष निरीक्षक बनकर ड्यूटी कर रहे हैं। इस मामले में शिक्षा विभाग के तमाम दावों की पोल खुलकर दिख रही है। मामला हरिपुर कला के सत्यमित्रानंद गिरिराज की इंटर कॉलेज का है, जहां बोर्ड परीक्षा में ड्यूटी के लिए शिक्षकों की कमी दिखी। शिक्षकों के अभाव के चलते प्रधानाचार्य को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को कक्ष निरीक्षक के तौर पर नियुक्त करना पड़ा। हालांकि प्रधानाचार्य ने इस समस्या से शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को अवगत भी कराया था। वही खंड शिक्षा अधिकारी ने इस परीक्षा केंद्र में 20 शिक्षकों की ड्यूटी लगाई है। इनमें से सिर्फ 14 शिक्षक ही ड्यूटी पर पहुंच रहे हैं। परीक्षा कक्षों की संख्या अधिक होने की वजह से 2 कमरों में शिक्षा मित्र कर्मी को ड्यूटी पर लगाकर काम चलाया गया है। प्रधानाचार्य डॉक्टर अजय शेखर बहुगुणा ने बताया कि परीक्षा के दौरान कक्ष निरीक्षक के लिए शिक्षक उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। इसके कारण 2 कक्षाओं में विद्यालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की ड्यूटी लगानी पड़ी, जिसके बारे में खंड शिक्षा अधिकारी को अवगत करा दिया गया है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज़ लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद। We'll be right back.